दोस्तों आज हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के लिए हिंदी विषय के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं और 10 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं। तो इस प्रकार से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और प्रतिदिन आपके सामने इस प्रकार से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। अब आपको एक काम करना है कि जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करोगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से लाइव चल रहा हूँ, तो आप जैसे जैसे प्रश्न होते जाते हैं वैसे वैसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि मुझे भी इस बात का ज्ञान रहे कि वास्तव में 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्योंकि अब जैसे कोई बोलता है कि 20 में से 17, कोई बोला 12, तो इस बात से ये भी होता है कि चलो आप झूठ तो नहीं बोलोगे, फिर भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली रूप में आप कितने प्रश्न उस समय आप सही कर पाते हो लाइव रूप में। तो आज हम लाइव चल रहे हैं, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जितना जल्दी हो सके उसका उत्तर देने की कोशिश करें ताकि हम आप अपनी तैयारी का भी आंकलन कर सकें और हमें भी इस बात का भान रहे कि हमारे द्वारा बनाए गए पेपर का स्तर कितना अच्छा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। आज का पहला प्रश्न है, दिए कगर नृपराज कर पाठ के अनुसार पत्र किसके हाथ में दिया गया था? पद्मावती के, मोहम्मद गौरी के, पृथ्वीराज चौहान के या विजयपाल के? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, ये चंद्रबरदाई पाठ से लिया गया है तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताना। अगला प्रश्न है, भये संपूर्ण भरे जल छुवन न काहू पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उदाहरण अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है, मैंने प्रेम रतन धन पायो उक्त पंक्ति किसकी है? कबीर दास की, सूरदास की, मीराबाई की या नंददास की? अगला प्रश्न है, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, वीरों की ऐसी दुर्गति किसके द्वारा हो रही है? शिवाजी के भाले ने की है, छत्रपाल की बरसी ने की है, छत्रसाल की बरछी ने की है, शिवाजी की सेना ने और सेनापति के बरछी ने? इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा? अगला प्रश्न है, बिहारी ने त्रिभंगी लाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए या राधा के लिए? कौन सा उत्तर इसका सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। अगला प्रश्न है, ए मुंह जोर तुरंग ज्यों, बिहारी ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है? नायिका के मुख के लिए, नायिका के नेत्र के लिए, नखशिख के लिए या नायिका के बालों के लिए? तो इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा? और अगला प्रश्न है, पीयूष सम पीकर जिसे प्रसन्न शरीर है, पीयूष सम पीकर जिसे प्रसन्न शरीर है, यह पंक्ति किसकी है? कौन से रचनाकार की है? तो आपको इसमें बताना है कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिलीशरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की या नंदलाल जोशी की? अगला प्रश्न है, बाबूजी चतुर सिंह द्वारा रचित गंगा जली की भाषा कौन सी है? गंगा जली नाम से रचना है, उसकी भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है या खड़ी बोली? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है, द्रुत झरो नामक कविता किस संग्रह से ली गई है? सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है और ये कौन से संग्रह से ली गई है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में से बताना है, युगांत, युगवाणी, ग्रंथी या पल्लव? अगला प्रश्न है, कवि नंदलाल जोशी के अनुसार देश का उत्थान कैसे होगा? धन बल से, विदेशी सहयोग से, शिक्षा से या श्रम और स्वावलंबन से? इसका उत्तर कौन सा सही होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब मिहिर सिर आ गया नरेश मेहता की एक बोध कविता में मिहिर किसका प्रतीक है? सामाजिक विषमता का, वर्तमान की समस्याओं का, पूंजीवादी शोषण का, नैतिक आदर्शों का? भारतीय कालगणना में संवत्सर को क्या कहा गया है? ब्रह्म रूप, यज्ञ रूप, प्रार्ध रूप या आहुति रूप?
अगला प्रश्न है, राजा ने मधुलिका की ओर देखा और वह कांप उठी। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? नशा नामक कहानी से ली गई है, भारतीय नारी से ली गई है, पुरस्कार से ली गई है, या अनोखी परीक्षा से ली गई है? अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा अपने पशु प्रेम का आरंभ कब से मानते हैं? तो निकी के साहचर्य से, रानी के साहचर्य से, गिलहरी को पालने से, या रोजी के साहचर्य से? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? प्रेम की वेदी नामक नाटक किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का, प्रेमचंद का, प्रसाद का, या पंत का? अगला प्रश्न है, तेरे बड़े भाई के समान बकरे की मुंडी काटने वाले 1000 चेले भी मिल जाए तो किस काम के? ओगड़ महात्मा की इस पंक्ति का भाव क्या है? संदेह है, आक्रोश है, व्यंग्य है, या ग्लानि? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? अगला प्रश्न है, विजयदान देथा की द्विधा कहानी पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? द्विधा, पहेली, संशय, कशमकश? कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास किसका है? अमरकांत का, मनु भंडारी का, मोहन राकेश का, उपेंद्र नाथ अश्क का? अगला प्रश्न है, चिंतामणि का प्रकाशन अब तक कितने भागों में हो चुका है? निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, 2, 3, 4, या 6 भाग? अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना नामक कहानी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, राजा लक्ष्मण सिंह की, सदाराम फुलौरी की, या शिव प्रसाद सितारे हिंद की? तो इसका उत्तर कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या श्याम सुंदर दास में? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज नामक जो रचना है वो किस प्रकार की विधा है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, या जीवनी? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? अगला प्रश्न है, प्राग एक स्वप्न नामक जो रिपोर्ट ताज है वो किसका है? मोहन राकेश का, निर्मल वर्मा का, कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? अगला प्रश्न है, अभिनव भारती नामक ग्रंथ किसका है? आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, या शंकु? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न, जगद विनोद को किसने श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? इसका उत्तर कौन सा सही होगा? सात नदियां एक समुद्र नामक कविता किसकी है? नाशीरा शर्मा की, अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, मनु भंडारी? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? अगला प्रश्न है, इंदुमती नामक कहानी का प्रकाशन कब होता है? 1900 में, 1903 में, 1905 में, या 1902 में? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है, सुदामा चरित नामक जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, नरोत्तम दास, या कृष्णदास? इसका उत्तर क्या होगा? और अगला प्रश्न है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि नामक ये पंक्ति किसकी है? देव की, पद्माकर की, भिखारी दास की, या घनानंद की? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? अगला प्रश्न है, हे विदना तोसो अंचरा पसारी मांगे जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसियो, पंक्ति किस कवि की है? चेत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, या कुंभन दास? इस प्रकार से ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं आपको इसके उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न देखते हैं, हे विदना तोसो अंचरा पसारी या मांगे जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसियो, ये चित स्वामी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि, ये देव की पंक्ति है। सुदामा चरित नामक काव्य नरोत्तम दास का है, और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की हिंदी की पहली कहानी जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है। सात नदियां एक समुद्र कविता है वो नासिरा शर्मा की है। जगन विनोद पद्माकर की रचना है जिसके लिए कहा गया श्रृंगार रस का सार ग्रंथ आचार्य शुक्ल द्वारा। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है। मिला तेज से तेज ये जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, उनकी पुत्री श्री सुश्री सुधा चौहान द्वारा, श्रीमती सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान आचार्य शुक्ल ने माना है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। चिंतामणि का प्रकाशन अब तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है, ये निबंधों का संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास है वो मोहन राकेश का है।
विजय जानदेथा की द्विधा कहानी पर पहली फिल्म का निर्माण किया गया है। और ये पंक्ति ओघड़ महात्मा जो एक अनोखी परीक्षा विजय जानदेथा की रचना है उससे ली गई है। और यहाँ पर ग्लानि नहीं सॉरी व्यंग्य भाव व्यक्त हुआ है, व्यंग्य। प्रेम की वेदी नाटक है वो प्रेमचंद जी का है। और महादेव वर्मा पशु प्रेम का आरंभ मानते हैं रोजी के साहचर्य से, रोजी घोड़ी थी। और राजा ने मधुरिका की ओर देखा वह काम उठी। यह पंक्ति पुरस्कार कहानी से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। नशा प्रेमचंद जी की कहानी, अनोखी परीक्षा विजय दानदेथा की, और भारतीय नारी ये एक निबंध है, यूँ कह सकते हैं कि भाषणों का संकलन है जो आपके विवेकानंद जी का है। और भारतीय कालगणना में सोनसर को ब्रह्म रूप माना गया है। और अब मिहिर सिर आ गया, मैं मिहिर प्रतीक है पूंजीवादी शोषण का। और कवि नंदलाल जोशी के अनुसार श्रम और स्वावलंबन से देश का उत्थान संभव है। और द्रुत झरो नामक कविता है वो युगांत से ली गई है, पंत जी की महत्वपूर्ण कविता है। और बाऊजी गंगा जली भाषा मेवाड़ी है। और पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर मैथिल शरण गुप्त है। और ए मुह जोर तुरंग ज्यू बिहारी ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है, नायिका की मुख के लिए। और त्रिभंगीलाल शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया बिहारी द्वारा। और पंछी पर छीने ऐसे चरे ये तो 76 साल की बरसी ने किया है हाल। प्रेम रतन धन पायो ये मीराबाई की पंक्ति है। और भये संपूर्ण भरे जल इसमें रूपक अलंकार है। और दिए कगर नृपराज ये पृथ्वीराज चौहान के लिए है, पृथ्वीराज चौहान को दिया गया है। इस प्रकार से ये 33 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमेशा याद रखना। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।